को दोस्तों शुरू कर पाएडे इज गॉन कम वी हैव ओनली टूडे कल चला गया है कल आने वाला है और हमारे पास सिर्फ आज है तो आज के बारे में सोचें इस मोमेंट के बारे में सोचें और इस मोमेंट में आपके दिमाग में देर शुड बी ओनली वन थिंग एंड दैट इज कुछ सर्स, करंट अफेयर्स डिस्कशन कुछ और आपके दिमाग पर नहीं होना चाहिए तो एक बार ज़रा सब लोग दिल से एक बार लव साइन दे दो ताकि आई होप एवरी वन इज़ अलाइंड विथ टुडेज डिस्कशन टुडेज़ ऑल्सो गाइज दी नेल्सन मंडेला डे सो अ वेरी वेरी ग्रेट नैसन मंडेला डे टू एवरी वन तो चलिए शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको ऑन द डे ऑन दी करंट अफेयर्स एनालिसिस ऑन द एटीथ ऑफ जुलाई माई नेम गाईज़ इज़ कुश पांडे एंड चलिए शुरू करते हैं एंड ये रहा आपके सामने हमारे आज के चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस और आज के चैम्पियन फिर से जो हमारे लिए हैं उनका नाम है सुनैना मंधानिया शी हैज़ आंसर्ड द क्विकस्ट टाइम और स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं दिज आर आर फाइव चैम्पियंस आयुष सलूमी बिस्वा लोकेश द टॉप फो द सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ एंड मिस सुनैना मंधानिया इज़ द नंबर वन चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस तो चलिए शुरू करें और ले चलें आपको हमारे आज के भारत को जानो क्विज़ पे और ये है आपके सामने द भारत को जानो क्विज नेशनल पार्क पार्ट फाइव एंड क्विज़ पहली बात तो मेरे को ये बताओ कि आपके सामने ये जो इमेज है ये किसकी है हु इज़ दिस पर्टिकुलर पर्सन गाइज जो आपके सामने दिख रहा है वेल ही इज़ द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया श्री मिल्खा सिंह जी और आ, इन ये हमारे इंडियन है ही वॉज़ वंस द फास्टेस्ट इंडियन इन टर्म्स ऑफ द टू हंड्रेड एंड फोर मीटर्स एंड ये इंडिया के लेजेंड हैं आते हैं हमारे आज के डिस्कशन पे मैंने आपको कल ये दिए थे नेशनल पार्क्स डिस्कस करने के लिए तो आइए इनके बारे में आप सवाल पूछता हूँ एक बार ज़रा कमेंट कर दीजिएगा यस 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 बिकॉज मैं चाहता हूँ आप लोग अब तैयार हो जाएं फॉर फर्स्ट द एमसीक्यू और आज आपके लिए एक नहीं आपके लिए दो सरप्राइज़ है क्या है दो सरप्राइज़ है आपके लिए सो so, तैयार हो जाइएगा सेशन के अंदर यू विल गेट टू सरप्राइजेस टुडे और राइट फर्स्ट क्वेश्चन किस्तवर नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट इनमें से किस स्टेट में किस्तवर नेशनल पार्क है आंसर इज ऑप्शन ए इट इज जम्मू एंड कश्मीर क्वेश्चन नंबर टू महात्मा गांधी मरी नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट महात्मा गांधी मरी नेशनल पार्क आपका है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में क्वेश्चन नंबर थ्री मथी के टन शोला नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट किस राज्य में आप पाते हो मथी के टन शोला नेशनल पार्क को द आंसर इज इट इज ऑप्शन ए दैट इज केरला केरला में पाते हो मथी के टन शोला नेशनल पार्क और मौलम नेशनल पार्क कहाँ पर पाओगे द आंसर इज एप्स करेक्ट इट इज गोवा गोवा में पाएंगे आप दी मोल्यम नेशनल पार्क एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर एवरी एंड आई होप आपके फाइव आ जाए दिस इज द क्वेश्चन माउलिंग नेशनल पार्क इज़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट के स्टेट में आपका माउलिंग नेशनल पार्क है द आंसर इज़ इट इज़ ऑप्शन इट इज़ अरुणाचल प्रदेश सोगाइज़ जो लोग के फाइव ऑन फाइव आए हैं इसका मतलब है वो लोगों ने रेगुलरली जो मेरा ये स्टैटिक जी के का डिस्कशन है उसको देखना स्टार्ट कर दिया है चलिए अब आते हैं हमारे आज के नेक्स्ट पे ये आपका होमवर्क है फॉर मंडे इसको पढ़ के आइएगा मंडे को हम इसको डिस्कस आपके सामने करने वाले हैं चलो अब आते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर इंडिया शैल बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर्स कंट्री बाय विच ईयर भारत दुनिया का सबसे जनसंख्या वाला देश इनमें से किस साल बनने वाला है 2048, 2038, 2028 2100 और 2102 एंड द आंसर इज़ इट इज़ 2100. 2100 में इंडिया दुनिया का सबसे सबसे पॉपुलेशन वाला देश बन जाएगा 2100 इज़ एब्सोल्युटली दी करेक्ट आंसर हाँ 1.6 बिलियन पहुँचेगा आपका बाय 2048 बिल्कुल सही आंसर है आपका बट 2100 में इंडिया विल बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर कंट्री इंडिया विल रिप्लेस चाइना एंड विल बिकम द वर्ल्ड मोस्ट populous कंट्री अच्छी बात है कि हमारा जो एक आ, मतलब एक हमारा ट्रेंड है वो कम होगा आफ्टर ट्वेंटी फोर्टी ई तो ये इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर मैंने आपको बता दी है आगे बढ़ते हैं आज़ाद पट्टन हाइडल पा प्रोजेक्ट इज़ अ प्रोजेक्ट बिटवीन चाइना एंड विच अदर कंट्री इनमें से कौन सा वो साल है इनमें से कौन सा वो देश है जिसने कि दोस्तों एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है चाइना के साथ अपने देश के अंदर उनका देश तो खैर है नहीं वो तो उन्होंने इंडिया का लिया हुआ है दी आंसर इज इट इज़ ऑप्शन ई दैट इज़ पाकिस्तान गाइज रीसेंटली चिली वॉज इन न्यूज़ चिली आपका न्यूज़ में क्यों था फ़टाफट बताइए मेरे को बिल्कुल दे अलॉन्ग विध इंडिया एंड एफ एस्टेड द ट्वेंटी ट्वेंटी वन ईयर जिसको बनाया गया है द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उस वजह से आपका चिली जो है वो न्यूज़ में था कोलंबिया uh, आपका न्यूज़ में है बताइए मेरे को दलंबिया द रीज़न वाई कोलंबिया इज़ इन न्यूज़ बिकॉज अलॉन्ग साइड कोलंबिया एंड आई गेस जर् आई गेस हाँ वॉज द होस्ट ऑफ द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ऑफ 2020 उस वजह से आपका कोलंबिया जो है वो न्यूज़ में था आप करेक्ट होस्ट अलोंगसाइड जर्मनी ये आपका होस्ट था ऑफ द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो कि होता है आपका फिफ्थ गाइज़ आज हमें सात सौ क्रॉस करना है चाहे कुछ हो जाए और राइट right, तो एक बार कमेंट कर देना येस सर यस ये सर येस सर कुछ भी करके आज हमें सेवन हंड्रेड क्रॉस करना है ठीक है याद रहेगा ना आपको ओके ओके देन गाइज़ वी हैव कोस्टा रिका कोस्टा रिका की बात करें तो कोस्टा रिका जो है वो सी टैप करके उसने पोर्टल लॉन्च किया है विद डब्ल्यू एच ओ उस वजह से आपका ये न्यूज़ में बना हुआ है जब जबरदस्त तरीके से शेयर करते जाओ एंड लाइक करते जाओ वीडियो को लेट्स टू सी नाव टू क्वेश्चन नंबर थ्री What is the total investment done in the Vala Padam or the Valar padam terminal? How much lagaya gaya hai, invested in terminal? Mein? Uh, 3200 crores, 700, 270, 550 crores or none of these and the answer of this question is it is option A that is 3200 crores. Now my question my quiz to my regular our viewers and this is the first question. Please tell me in which state will you find the Tuticorin port? किस पर्टिकुलर स्टेट में आपको ट्यूटिकोरियन पोर्ट मिलेगा दी आंसर इज इट इज़ तमिलनाडु क्वेश्चन नंबर टू इन विच स्टेट विल यू फाइंड द कोचिन पोर्ट कोचिन पोर्ट आपको कहाँ पर मिलेगा द आंसर इज इट इज़ इन केरला बिल्कुल सही जवाब है आपका इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेट गाइज विल यू फाइंड द दर्धवान पोर्ट और द वर्धान पोर्ट जो सबसे लेटेस्ट आपका पोर्ट है द आंसर इज इट इज महाराष्ट्र कहाँ पर पाए हो आप ये पाओगे आप इन महाराष्ट्र दैट इज आपूटली करेक्ट क्वेश्चन नंबर फोर इस सवाल रिपीटेड है मरगमाओ या मारमगाओ पोर्ट आपका कहाँ पर आप पाओगे एंड द आंसर ऑफ दिस पोर्ट गाइज इज इट इज इन गोवा एंड द लास्ट क्वेश्चन गाइज वेयर विल यू फाइंड द कांडला पोर्ट कांडला पोर्ट को आप कहाँ पर पाओगे एंड द कांडला पोर्ट दैट फाइंड गाइज इज इन गुजरात बिल्कुल सही जवाब है गाइज क्या बात है वेल डन गाइस चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन पर आते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वॉज रिसेंटली हैक इनमें से कौन सा अभी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था जिसको हाल ही में हैक किया गया है इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर हेलो या फिर आपका वीवो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट इज़ ऑप्शन सी दैट इज़ ट्विटर ट्विटर पर बिल गेट्स जेफ बेजोस एलोन मस्क उनके ट्विटर हैंडल्स को हैक किया गया बिकॉज ऑफ़ दैट इट वॉज इन द न्यूज़ इनफैक्ट कई यूट्यूब चैनल्स को भी हैक किया गया है उस वजह से भी वो न्यूज़ में आपका बना हुआ था गाइज अब मेरा सवाल आपसे है फॉर माई रेगुलर व्यूअर्स फर्स्ट क्वेश्चन रील्स हैज़ बिन लॉन्च बाई विच ऑफ़ द फॉलोइंग रील्स करके जो एक टिकटॉक जैसा एक सर्विस है वो किसने लॉन्च किया है द आंसर इज़ इट इज़ ऑप्शन ए दैट इज़ इंस्टाग्राम एप्सल्यूटली करेक्ट क्वेश्चन नंबर टू विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट्स हैज़ लॉन्च फ्लीट्स विच इज़ अ स्टोरी फीचर किसने लॉन्च किया है दोस्तों फ्लीट्स एफ एल डबल ई टी एस ये सारे सवाल सोशल मीडिया के हैं द आंसर इज़ इट इज़ ऑप्शन सी इट इज़ ट्विटर क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ़ द फॉलोइंग सोशल मीडिया वेबसाइट्स जिड मोदी जी एग्ज़िट रिसेंटली इनमें से किस वेबसाइट से मोदी जी ने अपना एग्ज़िट लिया है द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन ई दैट इज़ वीवो इट्स अ चाइनीज बेस्ड ऐप गाइज और चाइनीज बेस्ड ट्विटर है ही हैड टू पॉइंट फोर लैक फोर फोर लैख सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स एंड उन्होंने अब अपने को इससे अलग कर लिया है क्वेश्चन नंबर फोर प्लीज टेल मी गाइज इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन वॉट इज़ द पर्सन स्टेट स्टेक अक्वायर्ड बाई फेसबुक इन इन जियोमार्ट वॉट इज दैट परसेंट स्टेक द आंसर इज इट इज़ नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट एंड क्वेश्चन नंबर फाइव गाइज प्लीज टेल मी द नेम ऑफ द सब्सक्रिप्शन सर्विस ऑफ ट्विटर ट्विटर की सब्सक्रिप्शन सर्विस आपकी कौन सी है उसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज ग्रिफिन गाइज आई एम प्रिटी सर्टन जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको मजा आता होगा एंड वो ये सवाल नींद में भी कर सकते हैं ऑल राइट सो आई एम प्रिटी सर्टन गाइज लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर फाइव एंड हीयर इज क्वेश्चन नंबर फाइव मुस्लिम ब्रदरहुड वॉज फाउंडेड इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंट्री इनमें से कौन सा देश है जहाँ पर मुस्लिम ब्रदरहुड आपका फाउंड किया गया था इसका आंसर आपके सामने जो है दोस्तों दैट इज ऑप्शन सी दैट इज़ इजिप्ट जो लोगों ने आंसर दिया है जॉर्डन, बेटा ये ग्लास है ये चुल्लू भर पानी है बाकी आप जान सकते हो द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन सी दैट इज़ इजिप्ट इज़राइल uh, की बात कर ओके okay, uh, बाकी जॉर्डन ने कहा है कि वो उसके उसको बैन कर, कर रहा है उसको स्टॉप कर रहा है उसके ऑफिस को जॉर्डन के अंदर नाउ माय क्वेश्चन नंबर वन अराड एंड आर डिफेंस इक्विपमेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज किस देश के डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं आपके अराड और कार्मिल द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन ए दैट इज़ इसराइल बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर टू गाइस क्वेश्चन नंबर टू बिल्कुल uh, क्वेश्चन नंबर टू बहुत ही सिंपल है मुसाद इज़ द डिफेंस एजेंसी और द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ विच कंट्री मुसाद जो है वो इनमें से किसकी आपकी डिफेंस एजेंसी है द आंसर इस अगेन ऑप्शन ए दैट इज़ इसराइल ये दुनिया की सबसे खूंखार सबसे ज़्यादा तेज़ डिफेंस एजेंसी है इंटेलिजेंस एजेंसी है दैट इज़ मोसाद क्वेश्चन नंबर थ्री होशनी मुबारक पाँचते हुए रिसेंटली होसनी मुबारक वॉज दी प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री किस देश के आपके ये राष्ट्र अध्यक्ष थे द आंसर इज़ इट इज़ ऑप्शन सी दैट इज इजिप्ट इजिप्ट के दोस्तों ये आपके राष्ट्र अध्यक्ष थे बिल्कुल सही क्वेश्चन नंबर फोर गाइस बहुत स्लो आ रहा है बहुत कम लोग देख रहे हैं दबा के शेयर करो हमें 700 क्रॉस करना है कीप ऑन शेयरिंग द वीडियो यस जलोती इज द करेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जलोती इनमें से किसकी करेंसी है And the answer is, it is option E, it is Poland ki currency hai, aap ki Duda has been re-elected as the president again. And question number 5, Akaba site where the world's first underwater museum, अंडर वॉटर म्यूजियम इज बिंग सेटअप या डिफेंस साइड इज बिंग सेटअप ये अकाबा कहाँ पर है सवाल है मेरे सुपर डूपर आर्मीज के लिए एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन का इज इज इट इज आपका ऑप्शन डी दैट इजॉर्टेंट जिनको नहीं पता था वो नहीं बता पाएंगे आंसर है आपका जॉर्टन सवाल आएगा दो मार्क्स का बिकॉज सवाल तीन महीने पुराना है क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ़ द फॉलोइंग रेटिंगस एजेंसीज़ हैज़ प्रिडिक्ट श्रिंकेज ऑफ इकॉनमी ऑफ इंडिया एट ए नगेटिव नाइन पॉइंट फाइव परसेंट भारतीय इकोनॉमी आपकी एक नेगेटिव नाइन पॉइंट फाइव परसेंट पर आपका दोस्तों कब तक जाएगा ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन का इसका आंसर दीजिएगा और फटाफट वीडियो को सब लोग शेयर कीजिएगा एसएससी वालों आंसर करो यार बहुत कम लोग देख रहे हो आप लोग फटाफट शेयर करो यस yes, यस yes, क्या आंसर है बिल्कुल बढ़िया मुकुल बिल्कुल बढ़िया प्रीत गायकवाड़ द आंसर इज़ इट इज़ ऑप्शन बी दैट इज़ इकरा बहुत बढ़िया देवश्री यस द आंसर इज इट इज़ इकरा इकरा इज़ एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर गाइस इकरा ने इतना कहा है सिमिलरली गाइस कितना कहा है केयर ने बिल्कुल सही अ नेगेटिव सिक्स पॉइंट फोर परसेंट कितना आई एम एफ ने कहा है आपका अ नेगेटिव अनेगेटिव फोर पॉइंट फाइव परसेंट इनको याद रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा आपके लिए है येस दिस दिज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा कैंडी बॉय ये आपका है फॉर ट्वेंट फॉर द करेंट ईयर दैट इज़ ट्वेंटी ट्वेंटी इस साल के लिए ये आपका डेटा है याद रहेगा ना आप सबको क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत सही चलिए हाँ तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही सही आपका जवाब है ऑल राइट ओके आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेटअप क्वेश्चन पे जो कि ये रहा हाँ फ़िकी ने भी दोस्तों कहा है नेगेटिव 4.5 परसेंट तो फिक्की का भी याद करिएगा उसका भी नेगेटिव 4.5 परसेंट है लेट्स प्रोसीड नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस एंड हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज पी स्टैंड फॉर इन पी नोट्स पी नोट्स में पी का मतलब क्या है चिन्मय जी बिल्कुल रेलिवेंट है एस एससी के लिए आप इसको लेकर डाउट मत करिए पी नोट्स में पी का मतलब क्या है प्रोमिसरी पार्लियामेंटरी पार्टिसिपेटरी प्रोविजनरी और पार्शली इसका आंसर जो है ये गलतियाँ कई बार करते हैं स्पेशली जो मेरे बैंक के बच्चे हैं ना वो कई बार गलती करते हैं इसको याद रखना मेरे भाई आंसर है पार्टिसिपेटरी फुल फॉर्म है पार्टिसिपेटरी नोट्स प्रोमिसरी नोट फुल फॉर्म नहीं है ये गलतियाँ आप लोग बार बार करते हो ऑल राइट नोट्स इज़ द करेक्ट आंसर गाइज चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिया एंड विच अदर कंट्री हैज साइंड एन अग्रीमेंट ऑन अ न्यू ट्रेड रूट भारत और कौन से देश ने एक नया ट्रेड रूट के लिए अभी हाल ही में दोस्तों अग्रीमेंट आपका जो है उसे साइन किया है फटाफट बताइएगा बंटी कुमार द आंसर इज़ इट इज़ ऑप्शन सी दैट इज़ भूटान भूटान और इंडिया ने ये अग्रीमेंट अभी हाल ही में दोस्तों साइन किया है जहां वेस्ट बंगाल से लेकर आपका भूटान तक ये ये जो आपका ट्रेड रूट है ये जाने वाला है तो भूटान इज इस करेक्ट लेट्स स्टार्ट द क्विज़ फॉर माई रेगुलर व्यूअर्स देखते हैं आंसर आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन नंबर वन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस हैज़ बीन प्रोहिबिटेड बाय यूके फॉर इन्वेस्टिंग और डूइंग एनीथिंग इन द कंट्री ऑफ यूके इनमें से किसको बैन किया है यूके ने द आंसर इज़ इट इज़ म्यांमार देखिए उसने नॉर्थ कोरिया को भी किया है म्यांमार को भी किया है उसने Uh, उसने चाइना uh, को भी किया बट उसने म्यांमार को भी किया है सो द आंसर इज़ इट इज़ म्यांमार दिस क्वेश्चन इज़ वन पॉइंट फाइव मार्थ बिकॉज ये मेरे सुपर आर्विस कर सकते हैं जो एक महीने पुराने हैं जो अभी एक हफ्ते वो नहीं कर पाएंगे येस क्वेश्चन नंबर टू टू माई टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ओके प्लीज टेल मी हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल ये तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कौन है प्राइम मिनिस्टर नेपाल के उनका नाम बताइए फटाफट नाम बताइए उनका उनका जो नाम है दैट इज़ के पी शर्मा ओली क्या नाम है उनका के पी शर्मा ओली हिमांशु जी इसलिए किया है यूके ने बिकॉज़ ये लोग टेररिज्म करते हैं ठीक है इसलिए एंड ये लोग रिलीजियस प्रोसिक्यूशन करते हैं इसलिए किया है हाँ के पी शर्मा ओली जी हैं इन्होंने कहा है कि राम जी नेपाली थे क्या बात है बहुत अच्छी बात है क्या बात है ओके लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर थ्री इसी में आउट ऑफ द फॉलोइंग गाइस प्लीज टेल मी टका इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री टका इनमें से किसकी करेंसी है फटाफट आंसर कीजिएगा बहुत स्लो कमेंट आ रहे हैं आपके यहाँ बहुत कम लोग देख रहे हैं यार नाक ना कटवाओ जबरदस्त तरीके से शेयर करो हमें इसको हजार पहुंचाना है मंथ के एंड में फटाफट सात सौ क्रॉस करते हैं जल्दी से ठीक है हाँ टका इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश क्वेश्चन नंबर फोर अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस आउट ऑफ द फॉलोइंग एक सेंचुरी है आपकी सांगटेंग या सांगटेंग मैं अजीब सा नाम बोल रहा हूँ ये सेंचुरी काफी कंट्रोवर्शियल है अकॉर्डिंग टू चाइना भी और चाइना कहता है हमारा पार्ट है पर वो उस देश का ही है चाइना बेकार बात करता है कहाँ का है आंसर इज इट इज ऑप्शन सी दैट इज भूटान एंड क्वेश्चन नंबर फाइव माउंट मेरापी माउंट मेरापी जो है वो आपका किस पर्टिकुलर कंट्री में पड़ता है माउंट मेरापी ये बोल क्या है ये कि किस देश में आपका पड़ता है फटाफट गाइस 290 पीपल ऑन दी एसएससी एस ऐप फटाफट शेयर करो 300 करो और जो यूट्यूब पे हैं हमारे बैंकिंग चैनल पे हमें 700 करना है एसएससी पे हमें 250 करना है फटाफट शेयर करते रहो यस yes, हाँ तो इसका आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या होगा वॉट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिल्कुल सही इसका आंसर जो है दैट इज इंडोनेशिया बिल्कुल सही जवाब है आपका आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन पे हु ऑफ़ द फॉलोइंगज़ वन द ट्वेंटी ट्वेंटी इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड फॉर बांग्लादेश इनमें से किसे बांग्लादेश के लिए मिला है द प्रेस फ़्रीडम अवार्ड गई इज बहुत ही सिंपल सा आपका सवाल है इसका आंसर जो है दैट इज़ ऑप्शन ऑप्शन दैट इज़ ऑप्शन डी इट इज़ शाहिदुल आलम इनको ये दिया गया है फॉर बांग्लादेश चार लोग को दिया गया है बाकी चार के नाम आपके सामने दिए गए हैं इनको दिया गया है इफ़ आई एम करेक्ट फॉर रशिया इनको दिया गया है इफ़ आई एम करेक्ट फॉर इज़राइल एक बार देख लीजिएगा है ना एक बार चेक कर लीजिएगा पर ये चार लोग को ये अवार्ड दोस्तों जो है वो दिया गया है येस दैट इज़ ऐपसी ड्यूटली करेक्ट हाँ बिल्कुल सही जवाब है आपका येस दैट इज़ ऐपसी ड्यूटली करेक्ट हाँ इन इनको दिया गया है ईरान के लिए ठीक है एंड uh, इनको दिया गया है फॉर नाइजीरिया ठीक है हाँ राइट यस लेट्स प्रोसीड नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज एंड हियर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन के कामराज जी वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इनमें से किस राज्य के आपके मुख्यमंत्री थे इनफैक्ट तीसरे मुख्यमंत्री थे आपके के कामराज तमिलनाडु कर्नाटका केरला वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश इन्होंने लॉन्च किया था मिड डे मील स्कीम पहली बार किसी स्टेट में एंड दी आंसर इज़ इट इज़ ऑप्शन ए दैट इज़ तमिलनाडु तमिलनाडु ये आपका सही जवाब है अब आपसे डिस्कस कर लेते हैं स्टेट क्विज एंड हियर आर माई फाइव क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू क्वेश्चन नंबर वन द प्रण वायु प्रोग्राम इज़ इन विच सिटी ऑफ स्टेट इनमें से किस राज्य में आपका प्राण वायु प्रोग्राम है एंड द आंसर इज़ इट इज़ ऑप्शन बी दैट इज़ कर्नाटका क्वेश्चन नंबर थ्री वेयर विल यू फाइंड द सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट सी एम एफ आर आई को इनमें से आप कहाँ पर पाओगे इट रिसेंटली लॉन्च द डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम फॉर फिशिज कहाँ पर पाओगे द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन सी दैट इज़ केरला क्वेश्चन नंबर थ्री गाइज इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेट्स विल यू फाइंड द सुंदर बंस नेशनल पार्क इनमें से किस राज्य में आप सुंदर बंस नेशनल पार्क को पाओगे एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट इज़ ऑप्शन डी दैट इज़ वेस्ट बेंगॉल

कृषि सिंचाई योजना किस स्टेट ने दोस्तों टॉप किया है पी एम के एस वाई में आंसर इज इट इज ऑप्शन ए दैट इज तमिलनाडु यस आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर ओके okay. द इंडियाज पॉपुलेशन ट्रेंड रिपोर्ट हैज़ बीन पब्लिश बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन भारत जो भारत की पॉपुलेशन ट्रेंड रिपोर्ट है उसको इनमें से किसने पब्लिश किया है जिसमें कई सारे ट्रेंड्स आए हैं फॉर एग्जांपल इंडिया विल बिकम द सेकंड मोस्ट इमिग्रेंट नेशन इन ट्वेंटी वन हंड्रेड सेकेंड लार्जेस्ट वर्क फोर्स लार्जेस्ट नेशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ट्वेंटी तो आंसर यहाँ पर क्या होगा द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन बी दैट इज लैंडसेट लैंडसेट ने दोस्तों इसको पेश किया है अब क्वेश्चन वन मेरा दोस्तों आपसे है आउट ऑफ़ द फॉलोइंग गाइज विच ऑफ द फॉलोइंगज़ लॉन्च अ बिहेवियर कैम्पेन किसने लॉन्च किया है आपका एक बिहेवियर कैम्पेन चैलेंज द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन ए दैट इज़ नीति आयोग क्वेश्चन नंबर टू अकॉर्डिंग टू विच ऑर्गेनाइजेशन इंडिया इज द सिक्स लार्जेस्ट होल्डर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया छठवा सबसे बड़ा होल्डर है न्यूक्लियर वेपन्स का द आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज सिपरी बिल्कुल सही जवाब है आपका चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन पर वन शैल द आज़ाद पट्टन हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट बी कमीशन इनमें से किस साल आपका जो आज़ाद पट्टन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो आपका कमीशन होगा 2021, 2024, uh, 2027, ट्वेंटी 2032 और ट्वेंटी कब आपका होगा आजाद पट्टन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन बी दैट इज 2024 ट्वेंटी यहाँ पर एक आपसे मेरा फन फैक्ट है और ये सवाल आप बताओगे मेरे को फ्टर हाउ मेनी ईयर्स कितने साल बाद ये जो प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान को दिया जाएगा आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ओनली फाइव फोर्टी थ्री पीपल आर वॉचिंग वी हैव टू क्रॉस सिक्स हंड्रेड गाइज फटाफट दबा के शेयर कर दो वीडियो को जल्दी शेयर करो यार सात सौ तो क्रॉस नहीं करना था फटाफट शेयर करो येस हाँ बिल्कुल सही आफ्टर थर्टी ईयर्स क्या बात है क्या ना इंसाफी है क्वेश्चन नंबर टू टू एवरी वन बाई विच ईयर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बी कंप्लीटेड इन द कंट्री कौन से साल ए आई एफ आपका कंप्लीट होगा एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट इज बाई ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन नंबर थ्री प्रोजेक्ट आर्टिमिस सवाल तो आपको नींद में आता होगा आर्टिमिस आपका किस कंट्री का है और ये कंप्लीट कब होगा आर्टिमिस आपका जो है दैट इज ऑफ यू एस ऑफ एंड ये आपका कंप्लीट होगा इन 2024 ट्वेंटी फोर दैट इज एप्सल्यूटली द करेक्ट आंसर गाइज क्या बात है जबरदस्त तरीके से आप सब ने आंसर आज किया है बिल्कुल सही जवाब है आपका दैट इज एप्सोल्यूटली द करेक्ट करेक्ट आंसर चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन पे आते हैं दी खोलोंग प्रोजेक्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इट इज द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ऑफ दैट कंट्री जिसको इंडिया ने फंड किया है तो ये जो कोलोंगचू प्रोजेक्ट है ये आपका कहाँ पर है एंड द आंसर इज़ इट इज़ ऑप्शन सी दैट इज़ भूटान भूटान में आपका ये प्रोजेक्ट है गाइज uh, मेरा पहला सवाल है रिसेंटली वॉट इज़ द नेम ऑफ द मैनुस्क्रिप्ट विच विल बी प्रिजर्व बाय द नेशनल मिशन फॉर मैनुस्क्रिप्ट इन इंडिया भारत में किस कंट्री के मैनुस्क्रिप्ट हैं जिनको इंडिया प्रिजर्व करेगा द आंसर इज आपका मंगोलिया उनका नाम क्या है उनका नाम है कंजूर क्या नाम है बाइस कंजूर नाम है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का क्वेश्चन नंबर टू वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन ये पॉइंट फाइव मार्क्स है बिकॉज ये हर रेगुलर व्यूअर को आता होगा वेयर विल वॉट वॉज द व्हिच कंट्री वॉज द होस्ट नेशन ऑफ थर्टी सिक्स आसियान समिट कौन आपका होस्ट नेशन था इसका आंसर है आपका ऑप्शन ऑप्शन बी दैट इज वियतनाम क्वेश्चन नंबर थ्री टू एवरी वन बहुत ही सिंपल सवाल है हाउ मेनी ईयर्स अ फॉरन वुमन हैज़ टू स्टे इन नेपाल टू बी ट्रीटेड एज अ नेपाली सिटीजन कितना साल लेना पड़ेगा शादी के बाद कि उसको नेपाली नागरिकता मिले द आंसर इज इट इज़ सेवन ईयर्स बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर फोर देर आर थ्री सिटीज गाइड थ्री एरियाज गाइज काला पानी लिपू लैक एंड विच इज़ द थर्ड एरिया जिसको नेपाल अपना मानता है उस थर्ड एरिया का नाम क्या है फटाफट बताइएगा जल्दी से बहुत स्लो आप लोग आंसर कर रहे हो गाइज पार्टिसिपेट मोर शेयर मोर लाइक मोर सेवन हंड्रेड इज द टारगेट गाइज फटाफट शेयर करो यस इट इज लिंपिया दूरा क्या है लिंपिया दूरा क्या बात है गाइज दिल जीत लिया आप लोगों ने लिंपिया दूरा इज ऐप द करेक्ट आंसर बिल्कुल सही जवाब है चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज प्रेजेंटेड द इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड इनमें से कौन सा आपका वो देश है जो प्रेजेंट करता है आपका इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड को पी सी जे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स राइटर्स ए एन आई या फिर आपका आई ए एन एस वॉट इज द आंसर गाइज एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट इज ऑप्शन ए दैट इज द पी सी जे डैट इज पी सी जे इसको दोस्तों प्रेजेंट आपका करता है ओके रिसेंटली विच फेमस लॉयर वन द इफेल द ग्रैंड इफेल अवार्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्टिकुलर कमिटी एंड उसका आंसर है अमाल क्लूनी शी वन दैट पर्टिकुलर अवार्ड का जिनका नाम है अमाल क्लूनी दैट इज एप्सिल्यूटली करेक्ट चलिए आगे बढ़ते हैं वेन वॉज के कामराज अवॉर्डेड द भारत रत्न इनमें से किसे दिया गया था अच्छा एक करेक्शन कर लीजिएगा यहाँ पर पी नहीं होगा ये तो पी हो गया सी होगा है ना हाँ सी होगा सॉरी माई मिस्टेक गाइज सी होगा ठीक है सी होगा यहाँ पर यस थैंक यू सो मच फॉर द करेक्शन गाइज सी होगा कोई कमेंट में ना लेके अरे चल आपने कैडेक्ट बता दिया अरे भाई सी मैंने करेक्ट कर दिया ठीक है हाँ एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट इज़ ऑप्शन बी दैट इज़ 1976 सेवेंटी सिक्स उन्नीस सौ छिहत्तर गाइज सो so गाइज़ अगर आपके पंद्रह और पंद्रह हैं तो आप हैं चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस अगर आपके फोर्टीन और फिफ्टीन हैं तो आप हैं द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ऑफ द टू थाउजेंड्स अगर आपके थर्टीन और फिफ्टीन हैं यू आर दी वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम ऑफ द नाइनटीन सेवेंटीज़ और अगर आपके ट्वेल्व और फिफ्टीन हैं यू आर द ए क्रिकेट टीम ऑफ द नाइनटीन नाइनटीज़ और अगर आपके ट्वेल्व से कम हैं और तो आप दोस्तों क्या हैं आप पता नहीं क्या हो सकते हैं पर अगर आपके पाँच से कम हैं तो आप आपके अपने जो जो आपका कॉलोनी की टीम है अब आपको कौन सी टीम बनना है आप डिसाइड कर लीजिए विच टीम दैट यू वॉन्ट टू बिकम और राइट क्या बात है और राइट लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज एंड हियर इज अप विद ग्रेड द्रेडअप गाइज स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आजाद पट्टन इनमें से कौन सा कथन आपका आजाद पट्टन के बारे में सही है पहला कथन है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सी पी एस सी नवरंग जी मंडे से आएगा मंडे से आपको हिंदी मिलेगा परेशान ना हो बिलीव मी मंडे से आपको हिंदी मिलेगा बाकी एस एस सी वालों आप जल्दी से करो ओके okay, आज मैं ओके okay, ग्रासि अगर आपका थर्ड डे है आप लगातार आते रहो एक महीने आओगे मज़ा आ जाएगा यस yes, हाँ बहुत बढ़िया कैंडी बॉय बहुत बढ़िया विक्की बहुत बढ़िया विक्रम पॉल इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर जो है दैट इज़ ऑप्शन ई इट इज़ वन टू एंड थ्री यस प्रथमेश मोरे कैंडी बॉय सुमन वॉलीबॉल बिल्कुल सही आपका आंसर है इट इज़ ऑल ऑफ दी अबव ये तीनों के तीनों आपके सही हैं बिल्कुल सही जवाब है आपका हाँ आरूप जी बिल्कुल सही कह रहे हैं क्लास में ध्यान दीजिए आप लोग यस प्लीज डिस्कस इन द क्लास यस बिल्कुल सही चलिए अब आते हैं दोस्तों हमारे आज के बिग स्टोरी पर और आज का जो हमारा बिग स्टोरी है इन दिस विल फोकस ऑन थ्री इंपॉर्टेंट स्टोरीज गाइज एंड हियर इज़ द फर्स्ट स्टोरी फॉर ऑल ऑफ यू द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज़ कन्फर्म दैट इंडिया इज़ नो लॉन्गर इन्वॉल्व इन द फर्जाद बी गैस फील्ड प्रोजेक्ट ऑफ ईरान विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि भारत अब ईरान की फर्जाद बी गैस क्षेत्र परियोजना में शामिल नहीं है गाइज ये आइए सेकेंड खबर है बिकॉज इससे पहले ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि जो छाबहार का रोड प्रोजेक्ट था उसमें इंडिया मेम्बर था जिसमें आपका इरकॉन के साथ टाइप हुआ था उसमें इंडिया को हटा दिया गया है और उसके लिए 400 मिलियन डॉलर्स ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहा है ईरान और ख़ुद से वो करेगा सो so उसके बाद ये सेकेंड आपका प्रोजेक्ट है द रीज़न कुड ऑब्वियसली बी चाइना से इन्वॉल्वमेंट बिकॉज अभी हाल ही में 25 फाइव ईयर का अग्रीमेंट किया है चाइना के साथ ईरान ने सो दैट कुड बी अ वेरी बिग रीज़न और राइट तो वो भी एक रीज़न है हाँ हाँ छाबाह रेल अग्रीमेंट है सॉरी रेल रोड अग्रीमेंट है येस तो एक बार नहीं सर वो फेक न्यूज़ नहीं थी प्रेरक जी यू द हिंदू में आया था मतलब फेक कहाँ से हो जाएगी अरे यार ऐसा बात करते हो आप मैं आपको लगता है ये भोला सा चेहरा देख के आपको लगता है मैं फेक पढ़ाऊंगा आपको और राइट तो डिस्कस कर लेते हैं आइए इसको स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये आपके सामने दिया हुआ है दिस इज द फरदा दी फरजाद बी गैस फील्ड गई जो कि आपके सामने है यहाँ पर लोकेशन दिया हुआ है आपका और राइट एंड दिस लोकेशन गाइज इज इन द पर्शियन गल्फ दिस कॉन्ट्रैक्ट वॉज साइंड बिटवीन ओ एन जी सी इंडियन ऑयल ऑयल इंडिया एंड ईरान गवर्नमेंट टू थाउजेंड टू में साइन हुआ था इसका हाईलाइट था कि ये जो रिजर्व आपका है इट कंसिस्ट ऑफ 19 ट्रिलियन क्यूबिक फीट और जनवरी में ईरान ने कहा था कि हो सकता है इट विल डेवलप दिस गैस प्रोजेक्ट ऑन इट्स ओन वो इंडिया की हेल्प नहीं लेगा सो दैट कुड बी अ रीज़न ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट उस लिहाज से ये आपका इंपॉर्टेंट फसेट मैंने आपको बता दिया है गाइस uh, अब अगर सवाल बनेगा आपसे आइए सवाल डिस्कस कर लेते हैं एंड ये सारे सवाल आपके दोस्तों जो हैं वो ईरान से हैं और राइट सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन what is the official language of iran the answer is it is persian who is the supreme leader of uh, iran and the answer is it is shri ali khamenei एंड वॉट इज़ द नेम ऑफ द स्टेट बिटवीन पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान द आंसर इज इट इज़ द स्टेट ऑफ हर्मस स्टेट ऑफ हर्मस इसका बिल्कुल सही जवाब है तीन पढ़ लीजिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस स्ट्रेट हर्मस इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट्स ऑफ द कंट्री तो उस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है आगे बढ़ें ओके लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज एंटी पीस देखो रिस्पेक्ट देना अपना काम है इंडियंस हैं हमें रिस्पेक्ट देना सिखाया जाता है वी विल गिव रिस्पेक्ट ऑल यस, एन टी पी सी लिमिटेड हैज़ एंटर्ड इन टू अ एम ओ यू विद एन आई आई एफ नैशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड के साथ एन टी पी सी लिमिटेड ने दोस्तों अभी हाल ही में एक अग्रीमेंट किया है आइए इस अग्रीमेंट के बारे में जान लेते हैं इसका मेन फोकस होगा टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूबल एनर्जी सोलर एनर्जी में हाइड्रोल्ट्रीपा एनर्जी में ऑल्सो इट विल फोकस ऑन पावर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग अदर एरियाज इस फोकस करेगा इसके लिए एन आई आई एफ जो है उसका यूज़ एन टी पी सी आपका दोस्तों करने वाला है अब आपका सवाल बनेगा कि सर वॉट इज एन देखिए एन का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इट इज़ लेड बाय मिस्टर मिस्टर गुरप्रीत सिंह जी इट्स हेड क्वार्ट इन न्यू डेली बेसिकली इट इज़ अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और इंडिया की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इट इज़ अ महारत्ना कंपनी बाय 2010 और न्यू डेली में इसके आपके हेड क्वार्टर्स हैं नाम क्या है इसका नेशनल थर्मल पार्क ऑपरेशन एन अभी न्यूज़ में था बिकॉज इसने अभी हाल ही में हाइड्रोजन बसेस को और आ, को चलाया था उस वजह से न्यूज़ में था सेकेंड इसने वेस्ट टू वेल्थ एक आपका प्लांट है जिसमें आईओसी के साथ मिलकर इसने स्टार्ट किया है इन दी ओखला रीजन उस वजह से ये आपका न्यूज़ में था इसके अलावा इसने टीएचडीसी और नीबको इन दोनों को अभी हाल ही में इसकी मेजॉरिटी शेयर्स को अक्वायर किया है उन वजह से भी आपका एनटीपीसी न्यूज़ में था अब सेकेंड सवाल बनेगा कि सर वॉट इज एन तो देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एन आई आई एफ बेसिकली स्टैंड फॉर नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बेसिकली दिस फंड सेटअप इन ट्वेंटी फिफ्टीन इट इन्वेस्ट इन अदर क्लासेस लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट इक्विटी अदर सेक्टर्स इसका टारगेट है फोर्टी थाउजेंड करोड़ का फोर्टी नाइन परसेंट ऑफ द फंडिंग इज डन बाय द गवर्नमेंट फिफ्टी वन परसेंट फंडिंग जो आपकी है उसे आपकी सरकार कर उसे आपके प्राइवेट इन्वेस्टर्स करते हैं या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आपके करते हैं तो इसका नाम है एन ठीक है याद रहेगा अभी हाल ही में इसको ए ने हंड्रेड मिलियन डॉलर्स प्रोवाइड किए थे कितने किए थे हंड्रेड मिलियन डॉलर्स ए ने प्रोवाइड किए चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं ये रहा आपके साथ अच्छा अब आते हैं हमारे नेक्स्ट हेडलाइन पर जो कि दोस्तों ये रहा निष्ठा प्रोग्राम हैज़ बी लॉन्च फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑनलाइन मोड इन द स्टेट ऑफ आंध्रा प्रदेश गाइज बहुत कम बच्चे हो गए फटाफट शेयर करो 600 क्रॉस करना है हमें जल्दी शेयर करो निष्ठा प्रोग्राम जो है उसको लॉन्च किया है पहली बार ऑनलाइन मोड में आंध्र प्रदेश के अंदर और ऐसा पहली बार है जब निष्ठा प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च ऑनलाइन अब सवाल आपका बनेगा कि सर ये निष्ठा प्रोग्राम आखिरकार है क्या तो पहली बात तो याद रखिएगा निष्ठा का फुल फॉर्म है नेशनल इंट नेशनल इनिशियटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स इन होलिस्टिक एडवांसमेंट ये इसका फुल फॉर्म है फुल फॉर्म याद करिएगा सबसे पहले दूसरा इसका मेन मकसद है इम्प्रूव करना एजुकेशन को इम्प्रूव करना टीचर ट्रेनिंग को ये इसका मेन मकसद है इसके दो कॉम्पोनेंट्स हैं इट विल फॉर्म अ नेशनल रिसोर्स ग्रुप एंड अ स्टेट रिसोर्स ग्रुप जिससे कि इट कैन प्रोवाइड डिटेल्ड ट्रेनिंग टू द टीचर्स टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए इन दो ग्रुप्स को दोस्तों ये आपका प्रोवाइड करेगा और ये जो ऑनलाइन मोड है इट विल बी एक्टिवेटेड इन द दीक्षा पोर्टल और दीक्षा पोर्टल इज द ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट उनका ये ऑनलाइन एजुकेशन आपका पोर्टल है अब क्वेश्चन बनेगा कि सर व्हाट इज़ दीक्षा देखिए दीक्षा स्क्रीन पे आपके सामने आ गया है दीक्षा का फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग दैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ दीक्षा दीक्षा पोर्टल को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने इसने उसको लॉन्च किया था ये बिल्कुल सही जवाब है आपका ठीक है आ, इसको इसने प्रोवाइड किया डिजिटल प्लेटफॉर्म टीचर्स के लिए जहां पर जाके टीचर्स यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं डिफेंस काफी कम लोग हैं डिफेंस वालों यार आप लोग क्या कर रहे हो अभी हाई क्यों लिख रहे हो जेठालाल आप कमेंट करना स्टार्ट करो यस जेठालाल यस हाँ प्रदीप कुमार बिल्कुल सही लिख रहे हो आप फुल फॉर्म यस एब्सोल्युटली करेक्ट फुल फॉर्म हाँ अच्छा तो गाइस इसको बिल्ड किया गया था ताकि पूरी टीचर्स की लाइफ साइकिल बनाया जाए उनके इनिशिएशन से लेकर रिटायरमेंट तक और ये पोर्टल आपका प्रोवाइड करता है एनसीआर का दोस्तों आपका टेक्स्ट बुक और लेसन उसको ये दोस्तों आपका प्रोवाइड करता है याद रहेगा सबको एवरी समझ में आ गया एक बार कमेंट कर दीजिएगा यस सर यस सर यस सर हमें समझ में आ गया है चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पर आई होप क्वेश्चंस के आंसर आप कर पाएंगे क्वेश्चन वन द फोर्थ एडिशन ऑफ द वर्चुअल मिनिस्टीरियल ऑन क्लाइमेट एक्शन वॉज को चाय चाइना कैनेडा एंड विच अदर ऑर्गेनाइजेशन किसने ये किया था इसका आंसर है आपका यूरोपियन यूनियन ने यह सवाल टू मार्क्स का है दिस सवाल कुड ओनली आंसर्ड बाराय बाय माय रेगुलर व्यूअर्स बाकी कोई आंसर नहीं कर पाएगा इसको क्वेश्चन नंबर टू वर्ल्ड बैंक प्रोवाइडेड डैश टू एनहांस द सपोर्ट टू रिजोनेटिंग गंगा फॉर दी नमामि गंगे प्रोग्राम नमामि गंगे प्रोग्राम के लिए कितना पैसा दोस्तों यहाँ पर दिया है निधि सिंह जी बसंत कुमार जी आंसर दीजिएगा फटाफट आंसर दीजिए कैप्टन अमेरिका आंसर तो जल्दी से क्या नाम है आप लोग के यस इट इज फोर हंड्रेड मिलियन डॉलर्स कितना पैसा दिया चार सौ मिलियन डॉलर्स अंकित शर्मा आंसर करो क्वेश्चन नंबर थ्री द नेशनल फिश फार्मर्स डे और ये सवाल है अच्छा ये क्वेश्चन है तीन मार्क्स का ठीक है कौन आंसर करेगा इसको देखता हूँ कौन आंसर करेगा इसका तीन मार्क्स का क्वेश्चन है ये किसने ये आपका ऑनर किया जाता है इन द मेमोरी ऑफ डॉक्टर के एच अली कुनी एंड वो दूसरे आपके कौन से साइंटिस्ट हैं देखते हैं कौन आंसर करता है इसको इसका आंसर है उनका नाम है दोस्तों एच एल चौधरी जी किसी ने आंसर नहीं किया अभी तक एच एल चौधरी जी इज़ द करेक्ट आंसर गाइस इसको लिख लीजिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए सो मिस्टर डॉक्टर के एच अली और एच एल चौधरी याद रहेगा कर लेंगे याद ओके okay. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर ओके okay. अब आते हैं दोस्तों हमारे भूले बिसरे एम सी क्यूज़ पर एंड लेट्स डिस्कस द भूले बिसरे एम सी क्यूज़ एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर वन नरेंद्र पाल जी नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा ठीक है आप ऐसे मत लिखिए नहीं पता था सर आप नोट कर लीजिए ठीक है हाँ क्वेश्चन वन पहली बात एक बार लिखिए जय अंकल जी आप लोग ओके हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एच सी एल टेक्नोलॉजी एच सी एल टेक्नोलॉजीज की दोस्तों अब नए चेयरमैन या नई चेयरमैन दोस्तों कौन है इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी मिस रोशनी नादर जो कि बेटी है शिवनादर जी की वो बनी है चेयरमैन ऑफ एस सी एल टेक्नोलॉजीज शिवनादर विल रिमेन एज द मैजिंग डायरेक्टर बट द चेयरमैन पोजिशन हैज़ बिन गिवन टू मिस रोशनी नादर सिमिलरली का इज़ माइकल मे बैक इज द एम डी सी ई ऑफ मास्टर कार्ड इन्होंने रिप्लेस किया है आपके अजय बांगा को जय अंकल जी यस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू विच ऑफ़ द फॉलोइंग आई आई टी हैज़ डिवलप्ड अ पोर्टेबल हॉस्पिटल इनमें से किस आई आई टी ने डेवलप किया है दोस्तों एक पोर्टेबल हॉस्पिटल डेली कानपुर मद्रास हैदराबाद या फिर मुंबई एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन सी दैट इज मद्रास एब्सुलटली करेक्ट मद्रास ने इसको डेवलप किया है अच्छा मेरे को ये बताओ आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आई आई टी हैज स्टार्टेड द फर्स्ट एवर ऑनलाइन प्रोग्राम ऑफ बी एस सी इन ए आई ए आई पर इनमें से किसने स्टार्ट किया है प्रोग्राम इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर अगेन आपका होगा ऑप्शन सी दैट इज आई आई टी आई आई टी मद्रास ने ही दोस्तों उस प्रोग्राम को जो है वो स्टार्ट किया है डिफेंस वालो आंसर करो यार वन एट्टी लोग देख रहे हैं दोस्तों क्रॉस करो फटाफट डिफेंस वालो यस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच स्टेट शैल डेवलप कोविड वार्ड इन सिक्स सेंट्रल जेल्स छ सेंट्रल जेल्स में दोस्तों कौन सा आपका स्टेट है जो कि कोविड वार्ड आपका बनाएगा जल्दी से आंसर करोगाइज कहाँ पर बनेगा आपका ये इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में छ वार्ड्स में ये आपका जिला यहाँ पर बनाया जाएगा क्या बात है चलिए अब आते हैं स्टेट क्विज पे क्वेश्चन वन आपका यहाँ पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना इज अजना ऑफ विच स्टेट दंसर इज इट इज ऑप्शन ए दैट इज छत्तीसगढ़ क्वेश्चन नंबर टू the kalesar national park is a national park in which of the following state the answer is option c that is haryana question number three maximum tigers in india are found in which state the answer of this question is it is option b that is madhya pradesh question number four in which of the following states will you find uh, will you, uh, there is no national park in which particular state may कोई भी नेशनल पार्क नहीं है द आंसर इज इट इज पंजाब एंड क्वेश्चन नंबर फाइव सुपोषित माँ अभियान इज अभियान लॉन्च्ड इन विच स्टेट किस स्टेट में आपका सुपोषित माँ अभियान लॉन्च किया गया था इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी दैट इज राजस्थान क्वेश्चन फोर पे आते हैं द फर्स्ट ट्रायल कंटेनर शिप फ्रॉम इंडिया हैज़ बीन फ्लैग्ड ऑफ बाई शिपिंग मिनिस्टर इन टू कंट्री भारत का उस देश का पहला जो एक आपका ट्रायल कंटेनरशिप है उसको इंडिया से आपका किया गया है फ्लैग ऑफ सवाल है ये किस पर्टिकुलर कंट्री के लिए किया गया है इसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज ऑप्शन बी इट इज़ बांग्लादेश के लिए दोस्तों उसको किया गया है बांग्लादेश इज एप्सोल्यूटली द करेक्ट आंसर गाइस ये यस लक्ष्मी सोनी बिल्कुल सही कह रहे हैं विवी विकी जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप भी आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज़ बांग्लादेश क्वेश्चन नंबर फाइव पे आते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अप्रूव द फॉर्मेशन ऑफ अ कल्चर काउंसिल इनमें से वो कौन सा आपका प्रदेश है जिसने दोस्तों आपका बनाया है एक कल्चर काउंसिल को मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश पंजाब झारखंड या फिर आपका छत्तीसगढ़ एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ इट इज़ ऑप्शन ई दैट इज़ आपका छत्तीसगढ़ में इस कल्चर काउंसिल को दोस्तों बनाएंगे तुक्का मत मारिए गाइज़ तुक्का मारने से काम नहीं चलेगा बिल्कुल सही जवाब है आपका चलो आगे बढ़ें अब आते हैं दोस्तों ओके ओके अब आते हैं हमारे आज के द हिंदू एनालिसिस पे पर गाइज़ अब आपके लिए दो सरप्राइज आने वाले हैं सरप्राइज़ पहले क्या है कि आज 10 ए एम का आने वाला है वीकली एम सी क्यू उसको ज़रूर देखिएगा और इसके लिए आपको चाहिए होंगे दो मोबाइल फ़ोन अगर आपके पास दो मोबाइल फ़ोन्स नहीं हैं तो भी चलेगा पर अगर आपके पास दो मोबाइल फ़ोन्स हैं तो बेस्ट रहेगा ठीक है सेकेंड जो है हम आज से डिस्कस करने वाले हैं पी आई बी करेंट अफेयर्स को भी इस शो के अंदर रेगुलरली वी विल डिस्कस पी आई बी करंट अफेयर्स रेगुलरली इन दिस पर्टिकुलर शो ठीक है चलो तो पहले हिंदू करते हैं फिर हम करेंगे हमारा पी आई बी पहला से पहले हेडलाइन पे आते हैं तमिलनाडु हैज़ इमर्स एज द कंट्रीज टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर तमिलनाडु इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में देश का शीर्ष निवेश करने वाला गंतव्य स्थान है स्क्रीन पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि तमिलनाडु आपका नंबर वन पे है सेकेंड पे आपका जो है दोस्तों वो महाराष्ट्र है आइए डिस्कस कर लेते हैं इसको इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में वो लोवेस्ट है पिछले पाँच सालों में और टोटल इन्वेस्टमेंट में से एटीन परसेंट इन्वेस्टमेंट तमिलनाडु से आया है और दिस रिपोर्ट जिस रिपोर्ट में इसको मेंशन किया गया है उस रिपोर्ट का नाम है प्रोजेक्ट सर्वे रिलीज बाय प्रोजेक्ट टुडे इसने इस रिपोर्ट को दोस्तों रिलीज़ किया है सो एज़ पर द प्रोजेक्ट सर्वे तमिलनाडु इज़ द नंबर वन स्टेट महाराष्ट्र इज नंबर सेकेंड तमिलनाडु हैज़ एटीन पॉइंट स्टेक इन द टोटल इन्वेस्टमेंट डन इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर ठीक है याद रहेगा चलिए अब सवाल पे आते हैं

इट इज आपका नीति आयोग नीति आयोग ने इसको बनाया था क्वेश्चन टू पे आते हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट यूएस डैश एंड इंडिया आ थ्री टॉप मिलिट्री स्पेंडर्स इन 2019 अगर हम एक रिपोर्ट माने सिपरी की रिपोर्ट माने तो मेरे को फटाफट बताओ कि इनमें से दोस्तों कौन से वो टॉप तीन आपके हैं यूएस है आपका इंडिया है और तीसरा कौन सा है द आंसर इज इट इज ऑप्शन ए इट इज चाइना चाइना आपका बिल्कुल सही जवाब है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ऑन अप्रैल 22 2020 द ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स लॉन्च सवाल है इस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या था वॉट इज द रैंक ऑफ इंडिया गाइस एंड द आंसर इज इट इज आपका 142 इंडिया का रैंक जो है वो 142 पर यहाँ पर दोस्तों बना है कितने पे है 142 आगे बढ़ते हैं गाइज अगली खबर पे के पी शर्मा ओली द नेपालीज प्राइम मिनिस्टर हैज सेड दैट दे विल एक्सप्लोर एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन थोरी नियर द बॉर्डर टाउन ऑफ बिर बिरगुंज नेपाल सीमावर्ती शहर बीरगंज के पास थोरी में एक पुरातत्विक स्थल की खोज करेगा आपका नेपाल स्क्रीन पर देख सकते हैं ऐसा क्यों करेगा ऐसा इसलिए करेगा बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू के पी शर्मा ओली द रियल बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम इज़ नॉट इन अयोध्या पर द रियल बर्थ प्लेस ऑफ राम जी इज़ इन बीरगंज विच इज़ इन द थोरी विलेज जो कि थोरी विलेज के पास में है इन नेपाल क्या बकवास है थोरी की बात करें तो थोरी आपका एक हिंदू रिलीजियस साइट है कई सारे टेम्पल्स आपके यहाँ पर आते हैं एज़ पर द नेपल हिस्टोरियन जागमैन गुरु उनका मानना है कि वाल्मीकि रामायण में जो एक स्थान दिया गया रोल रोल रामायण का वो जनकपुर के पास है जो कि नेपाल के आसपास पड़ता है ना कि आपके इंडिया में पड़ता है तो पता नहीं क्या खाकर ये बात कर लेते हैं मतलब मेरे को इनसे बात करनी पड़ेगी फ़ोन करके कि सर क्या हो गया आपको मतलब आप तो ऐसे ना थे है ना हाँ चलो नेक्स्ट पर आते हैं अब आते हैं सवालों पर काईस यानी सवाल आपके नेपाल के बेस्ड हैं और तीस क्वेश्चन था बेस्ड ऑन कल्चर तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन अंडर द नेशनल मिशन फॉर मैनुस्क्रिप्ट द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर विल बी रीप्रिंटिंग ऑल द हंड्रेड एट वॉल्यूम्स ऑफ डैश कंजूर मैनुस्क्रिप्ट इसका आंसर होगा आपका मंगोलियन कंजूर मैनुस्क्रिप्ट इनको दोस्तों ये रिप्रिंट करेंगे क्वेश्चन टू पे आते हैं यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैज़ अनाउंसड ऑन फिफ्थ जुलाई 2020 दैट डैश हैज एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद यूएन एन विद यू बेस्ड सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक किसने टाइप किया है फेसबुक के साथ फॉर एजुकेशन लर्निंग आंसर है आपका सी बी ने दोस्तों ये अग्रीमेंट किया है क्वेश्चन थ्री पे आते हैं ए आई आर एफ एम न्यूज चैनल की ब्रॉडकास्टिंग ने कहा है कि उसका पहला न्यूज़ प्रोग्राम आएगा संस्कृत लैंग्वेज का जो कि 20 मिनट्स का होगा सवाल है इस न्यूज़ प्रोग्राम का नाम क्या है वॉट इज़ द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज़ प्रोग्राम एंड दी आंसर इज़ इट इज़ संस्कृत सप्ताही की इसको पढ़ लीजिएगा ये सवाल टू मार्क्स का था ये सवाल सिर्फ मिले सुपर डुपर आर बी स कर पाएंगे बाकी कोई इसे दोस्तों नहीं कर पाएगा आते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर अमेरिकन सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं उनका नाम रेवनेंट सी टी विवियन ही वॉज़ अ सिविल राइट्स वेटरन जिन्होंने मार्टिन उदक किंग जूनियर के साथ ही पार्टिसिपेटेड एंड ही वॉज ऑल्सो द लीडर ऑफ द सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस इनका दोस्तों हाल ही में आपका देहात हो गया है ये नागरिक अधिकार के वक्ता थे और मार्टिन उदक किंग जूनियर जिनका एक बहुत ही फेमस डायलॉग है फोमस फेमस पीच है आई हैव अ ड्रीम उसका उसके ये मेम्बर थे एंड ही हैज़ रिसेंटली गाइज पास्तव आगे बढ़ते हैं येस yes, बैंक ने लॉन्च किया था अपना फॉलो ऑन पब्लिक ऑफ़र जो 95% परसेंट सब्सक्राइब हो गया मतलब अगर इन्होंने 100 शेयर ऑफ़र किए थे तो इनमें से 95 शेयर्स को लोगों ने परचेज करने की बात कही है अब सवाल आएगा कि सर फॉलो ऑन क्या होता है तो फॉलो ऑन ऑफ़र मतलब होता है कि जब एक लिस्टेड कंपनी नए शेयर्स ऑफर करे सबको लिस्टेड कंपनी ऑफर्स न्यू शेयर्स टू एवरी वन दैट इज़ कॉल्ड एज अ फॉलो ऑन ऑफ़र याद रखिएगा इट इज़ अ एफ पी ओ और अ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर जब एक लिस्टेड कंपनी नए शेज ऑफर करे सब को दैट इज़ अ एफ पी ओ आगे बढ़ते हैं काइज हाउ मेनी काइज आर फैंस ऑफ रियल मड्रिड और कितने लोग फैंस हैं बार्सिलोना के देखो मैं तो बार्सिलोना का फैन हूँ बिकॉज ऑफ मेसी और आप में से कई लोग फैन होंगे आपके रियल मड्रिड मुझे पता है तो अच्छी खबर है फॉर द मड्रिडियंस रियल मड्रिट हैज़ वन द लालीगा चैम्पियनशिप इन स्पेन फॉर द थर्टी फोर्थ टाइम आफ्टर करीम बनजिमा वन देम अगेंस्ट विलारियाल विद वन गेम टू स्पेयर करीम बनजिना के दो गोल्स की वजह से बिलारियाल के खिलाफ जीत दर्ज करके थर्टी फोर्थ टाइम चौंतीसवीं बार रियल मड्रिट जो है वो ताश पहना है खैर अब तो रोनाल्डो नहीं खेलते हैं फॉर रियल दी प्लेय गाइज फॉर 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 द यूंट टीम पर ऑबियस ही बात है बार्सिलोना से बेटर टीम कोई नहीं है ठीक है यस आगे बढ़ते हैं अब आते हैं दोस्तों हमारे जिसमें आपसे प्रॉमिस किया था हमारे पी आई बी करेंट अफेयर पर तो मैं चाहता हूँ जरा तो फटाफट एक बार वापस आप लोग आ जाओ एंड जल्दी से कमेंट करो यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर बिकॉज ये, 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 ये सबसे नया मेरा एक इनिशिएटिव है इस सेशन के अंदर ताकि आपको कहीं भी देखो मुझसे लोग कहते हैं सर सेशन एक घंटा लंबा है बेटा आपको इसके अलावा फिर एनालिसिस के लिए कहीं नहीं जाना है बात समझो आप किसी ने लिखा कि सर दो चैनल्स को पढ़ना चाहिए तो मैंने कहा मेरे भाई क्यों पढ़ना है इतना इतना टाइम है क्या आपके पास ओनली डिस्कस हियर कहीं और डिस्कस मत करो तो फटाफट शेयर करो वीडियो को गाइस यस 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 आसरा बिल्कुल बिल्कुल सही बढ़िया फटाफट शेयर करो तो आइए डिस्कस कर लेते हैं इसको ओके तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विल एड्रेस द हाई लेवल सेगमेंट ऑफ इकोसॉक इकोस्टॉको इकोसॉक जो कि यूएन का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है उसको दोस्तों संबोधित करेंगे आपके ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बेसिकली इट विल बी अ कीनोट एड्रेस जो कि आपका होगा एट द हाई लेवल सेगमेंट ऑफ द यू एन इकोस्टॉक इस पर्टिकुलर की नोट एड्रेस का थीम है मल्टीलैटिज्म आफ्टर कोविड नाइन्टीन वॉट काइंड ऑफ यू एन डू वी नीड एट एनिवर्सरी ये इसका थीम है इस साल इस की नोट एड्रेस का इससे पहले सेवनटीन्थ एनिवर्सरी पर भी मोदी जी एड्रेस कर चुके हैं ट्वेंटी सिक्सटीन में तो इनका ये सेकेंड टाइम है मतलब ये प्रो है इसमें मतलब ये अब ये मास्टर हो गए हैं इन द एड्रेस बहनों Uh, अब ये सेकेंड टाइम दोस्तों ये करने वाले हैं अब क्वेश्चन आपका आएगा इकोसॉक है क्या इकोसॉक बेसिकली स्टैंड फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बिल्कुल ये आपका सी डी एस एन डी ए एस बी आई आई पी एस डिफेंस रेलवे एस एस सबके लिए इंपॉर्टेंट है इकोसॉक का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक सोशल काउंसिल बेसिकली इट इज़ वन ऑफ दी सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यू एन इसका फंक्शन है जितने भी सारे यू एन के फंक्शन हैं उनको मैनेज करना इसके हेडक्वार्टर्स आपके हैं न्यूयॉर्क में एंड फिफ्टी फोर मेम्बर्स आपके हैं Uh, uh, जो वो इको शॉक के मेंबर्स हैं दीज फिफ्टी फोर मेम्बर्स आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आउट ऑफ दोज फिफ्टी फोर मेम्बर्स आर मेंबर्स ऑफ द इको शॉक इज वेल ठीक है आप सवालों पे आते हैं क्वेश्चन वन पे आते हैं गाइज हमें हमारा टारगेट था सात सौ क्रॉस करने में मुझे पता है काफ़ी कम हो गए हैं पर वापस भी हम पहुँच सकते हैं सो so, फटाफट ज़बरदस्त तरीके से शेयर करना स्टार्ट करो हाँ तो क्वेश्चन वन पे आते हैं गाइज हाउ मेनी मेम्बर्स आर देयर इन द जनरल असेंबली फटाफट बताना मेरे को यूएन की जो जनरल असेंबली है उसमें कुल कितने मेंबर्स हैं जल्दी से आंसर कीजिएगा एस एस सी वालों मत जाओ वापस आ जाओ कितने मेंबर्स हैं गाइस क्या बात है रूप जी हाँ बिल्कुल आंसर करते रहो यार इस बात को कितने मेंबर्स हैं आपके जीए में बिल्कुल सही दी आंसर इज वन वेल डन शैलेन्द्र प्रताप वन नाइन्टी थ्री मेंबर्स है आपके इन उनगा बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं हाउ मैनी परमनेंट मेम्बर्स आर देयर इन सिक्योरिटी काउंसिल सिक्योरिटी काउंसिल में कितने परमानेंट मेबर्स हैं एंड द आंसर ऑफ़ दिस क्वेश्चन का इज इज़ इट इज़ फाइव मेम्बर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल में बिल्कुल सही जवाब है आपका क्या बात है बिल्कुल सही क्वेश्चन थ्री पे आते हैं वेयर आर देडक्वार्टर्स ऑफ द आई सी जे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हेडक्वाटर्स कहाँ पर यह भी आपका मेम्बर है एंड आंसर इज आपका हेग में मेम्बर्स हैं और दोस्तों ये आपके सामने इमेज है जो कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं दीज आर द सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूएन स्क्रीन पे आपके सामने मैंने ऑलरेडी आपको ये दिखा दिया है याद रहेगा आप सबको क्या बात है चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने सेलिब्रेट किया है अपना नाइनटी सेकेंड फाउंडेशन डे दे हैव सेलिब्रेटेड गाइज देयर नाइनटी सेकेंड फाउंडेशन डे और ये आपका अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया ICAR सी ए आर बेसिकली वर्कस अंडर दी डिपार्टमेंट ऑफ़ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन डेयर के अंडर वर्क करती है जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करता है बेसिकली ICAR सी ए आर स्टैब्लिश हुआ था ट्वेंटी नाइन में और इसका पहले नाम था आपका एम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और जैसे ही ये इंडिया में तब्दील हुआ वैन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इम्पीरियल की जगह आपका इसे इंडियन कर दिया गया इसके हेडकोर्टर्स दोस्तों जो हैं वो आपके न्यू डेली में आपके पढ़ते हैं याद रखिएगा इस चीज़ को इनका नाइन्टी सेकेंड डे अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया याद रहेगा क्या बात है आगे बढ़ते हैं आप सवालों पे आते हैं सवाल पहला आपसे अब क्योंकि क्वेश्चंस आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट पे है तो क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर वेयर आर दी हेड क्वार्टर्स ऑफ दी आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज गाइस जो मेरे सुपर डुपर आरवीज हैं वो आर टू टू थ्री मंथ्स ओल्ड वो जानते होंगे कि एरीज़ या फिर आर्यभ्टा रिसर्च ने टाइप किया था इसरो के साथ तो जाहिर सी बात है ये इंपॉर्टेंट है इसके हेडक्वार्टर्स दोस्तों जो हैं वो आपके नैनीताल में हैं कितने लोग हैं मेरे रेगुलर व्यूअर जिनको इसका आंसर पता था गिव मी अ थम्स अप बिकॉज गाइज़ ये अच्छा सवाल है क्वेश्चन टू पे आते हैं वेयर आर द हेड ऑफ द सी डी आर आई सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेडक्वाटर्स दोस्तों कहाँ पर हैं इसका आंसर है आपका लखनऊ मेरा शहर नवाबों का शहर लखनऊ में इसके हेडक्वार्टर्स हैं गाइज़ अगर आपको अच्छा करना है एस एस सी वालों डिफेंस वालों तो प्लीज़ रेगुलर हो जाओ तभी फ़ायदा है वरना फ़ायदा नहीं है ठीक है सुप्रिया राठी जी नरेंद्र पाल सिंह जी ऋतिक सिंह जी आप प्लीज़ डिफेंस में शेयर कीजिए वीडियो को समझ रहे हैं आप लोग हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं वेयर आर दी हेड क्वार्टर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी आई जी आई बी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं ये भी न्यूज़ में था अभी हाल ही में इसने टाइप किया था आपका टाटा सन्स के साथ फॉर हाँ इसका आंसर है आपका न्यू डेली में हेडक्वार्टर्स हैं ऑफ़ दी आई जी आई बी ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर यूनियन फिशरीज मिनिस्टर ने लॉन्च किया है दी इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस ऑफ द एनिमल हस्बैंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो ए एस डी एफ फंड है जिसको कि बजट में दो साल पहले प्रजेंट किया गया था इसकी जो गाइडलाइंस हैं उनको इम्प्लीमेंट किया है यूनियन फिशरीज़ मिनिस्टर ने तो आइए एक बार जान लेते हैं ये फ़ंड होता क्या है यह रहा आपके सामने का इस दिस फंड हैज़ अ वैल्यू ऑफ फिफ्टी थाउजेंड करोड़ इसका फुल फॉर्म है एनिमल हसबैंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इसका मेन मकसद है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना किसका डेयरी सेक्टर का मीट प्रोसेसिंग का और एनिमल फीड प्लांट्स का इनके सेक्टर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना गवर्नमेंट ने जो भी इसमें लोन दिया जाएगा उसमें तीन परसेंट का गवर्नमेंट पैसा लगाएगी मतलब अगर लोन में टेन परसेंट का आपका इंटरेस्ट रेट है तो उसमें थ्री परसेंट का इंटरेस्ट रेट सरकार पे करेगी सो दैट सवेंशन विल बी अलाउड इसमें अगर आपने लोन लिया है दो साल तक आपको लोन वापस नहीं करना है और आपको छः सालों में रीपेमेंट करना है तो अच्छी एक पैकेज है जहाँ पर दो साल का मोराटोरियम है मोराटोरियम मतलब होता है नो पेमेंट मतलब आपको पेमेंट नहीं करना होगा हाँ आपको दो साल के बाद छः साल तक पेमेंट करना होगा इसके लिए एक सपोर्टिंग फंड है जो जो कि हेल्प करेगा आपको लोन पे करने में उस फंड की जो वैल्यू है वो आपका है सेवन फिफ्टी करोड़ जिसको कि नबार्ड ने दोस्तों मैनेज किया है याद रहेगा कतरा कतरा क्लियर हो गया मुझे पता है एक घंटा हो गया है पर गाइज जैसे मैंने पहले कहा जब तक छोड़ूंगा नहीं तब जब तक कराऊंगा तब तक छोड़ूंगा नहीं याद रखिएगा ऑल राइट सबको क्लियर हो गया ये चीज एवरी वन ओके क्या बात है हाँ बिल्कुल बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छी बात है यस yes. हाँ अब आगे आते हैं सवालों पर आते हैं सवाल पहला वॉट वॉज द थीम ऑफ द यूनियन बजट ट्वेंटी ट्वेंटी क्या थीम था इस साल के बजट का द आंसर इज ईज ऑफ लिविंग ये याद रखिएगा ये इस साल के बजट का थीम था क्वेश्चन टू पे आते हैं वॉट इज़ द डिसन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी ये भी सवाल बजट का है इस बजट सवाल आपका एस बी आई में आ सकता है एस एस सी में तो आएगा डिफेंस में भी आएगा द आंसर इज टू लैख टेन थाउजेंड करोड़ ये इस आपका बजट टारगेट है इस साल का क्वेश्चन नंबर थ्री टिल वेन द गवर्नमेंट वॉन्ट टू एलिमिनेट यू ये तो सवाल बहुत ही लल्लू सवाल है इसका आंसर आपका जो है दैट इज ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ये इसका यहाँ पर आंसर होगा अगले सवाल अगले हेडलाइन पर आते हैं अब आते हैं दोस्तों हमारे आज के डेली करंट अफेयर्स पर एंड ये रहा आपके सामने क्वेश्चन वन द खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन हैज ओपन द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फुटवेयर ट्रेनिंग सेंटर इन डेली टू ट्रेन द मार्जनलाइज कम्युनिटी ऑफ लेदर आर्टिस्ट के वी आई सी ने दोस्तों दिल्ली में स्टार्ट किया है अपना पहला फुटवेयर ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्टार्ट किया है ये उन्होंने दोस्तों स्टार्ट किया है दिल्ली में आई जान लेते हैं इसके बारे हैज बिन स्टैब्लिस्ड विद हेल्प ऑफ सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आगरा इसके साथ मिलकर इसको स्टार्ट किया गया है और ये गांधी दर्शन एरिया है राजघाट का वहाँ पर दिल्ली में स्टार्ट किया गया है ऐसा ही एक सिमिलर सेंटर आपका के सेटअप करेगा बनारस के अंदर और इस पर्टिकुलर सेंटर में जो यहाँ के वर्कर्स हैं उनको दिए जाएंगे पाँच हज़ार के आ, किट्स जिसका वो यूज़ कर सकते हैं फॉर द खादी प्रोडक्ट फॉर द फूड वे प्रोडक्ट उसके लिए इसको लॉन्च यहाँ पर किया जाएगा अब आइए सवालों पर आते हैं क्वेश्चन वन पे आते हैं डैश हैज लॉन्च अ न्यूटिलिटी टूल फॉर बैंक एंड पोस्ट ऑफिस फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंस एक्ट ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्पेशली एस बी आई के लिए इसका आंसर है दोस्तों सी बी डी टी ने इस पर्टिकुलर को लॉन्च किया किसने लॉन्च किया है सी बी डी टी ने इसको लॉन्च किया है क्वेश्चन टू आते हैं एज पर द डेटा फ्रॉम यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री डैश इज़ द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया फॉर द फॉर द फॉर द प्रीवियस ईयर इसका आंसर है आपका यू एस ए ये इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर आपका है क्वेश्चन थ्री पे आते हैं यू एस बेस्ड कॉरपोरेशन उसका नाम क्या है जिसने इन्वेस्ट किया है सेवन थर्टी करोड़्स इन सेवन थर्टी करोड़ इन्वेस्ट किए हैं दोस्तों इन रिलायंस इंडस्ट्री जियो प्लेटफॉर्म जियो प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट किए हैं ओके यस 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 दीक्षा जी आप रेगुलर हो जाओ कंटेंट आपको मिलेगा मंडे टू सैटरडे क्लास होता है दीक्षा जी एसएससी वाली यस मंडे सैटरडे क्लास होता है आपका यस yes. हाँ इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर है आपका ऑप्शन इट इज कॉलकॉम चलिए अगले खबर पर आते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट प्रेजेंट हुई है इस रिपोर्ट में इंडिया जो है वो टेंथ नंबर पर आता है आइए इस रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं ये रहा आपके सामने दिस रिपोर्ट हैज़ बिन प्रेजेंटेड बाई वीपो वीपो ने इस रिपोर्ट को प्रेजेंट किया है इस रिपोर्ट में जो सबसे ज़्यादा आपके आईपी राइट्स हैं वो लिए हैं चाइना ने चाइना हैज़ फिफ्टीन परसेंट ऑफ़ द आई पी फाइलिंग्स ऑफ द टोटल डिजाइन मतलब टोटल आई पी राइट्स में फिफ्टी परसेंट जो है वो चाइना करता है सेकेंड पर आपका यू एस है थर्ड पर आपका इंडिया है और इंडिया आपका ट्वेंटी परसेंट जो ग्रोथ किया है इंडिया इस साल और पर ओवरऑल चाइना आपका यहाँ पर नंबर वन पे बना हुआ है याद रहेगा आपको क्या बात है चलिए अगले खबर पे आते हैं यह आप पढ़ लीजिएगा सवाल चलिए तो गाइज़ विद दिस वील कम टू एन एंड गाइज टेन ए पे आइएगा आपके लिए सरप्राइज़ है बिकॉज आपको वहाँ पर चाहिए होंगे दो फोन्स एंड अगर आपके पास नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं पर मज़ा आएगा आज ठीक है और अब आपका होमवर्क सवाल पहला मेरा आपसे प्लीज़ टेल मी वेयर आर दी हेडक्वाटर्स ऑफ एन डी एन डी ए के हेडक्वाटर्स कहाँ पर हैं क्वेश्चन नंबर टू वेयर इज़ द हेडक्वाटर्स ऑफ आई एम ए क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री वेयर आर दी हेडक्वाटर्स ऑफ एन बी आर आई क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर फोर वेयर आर दी हेडक्वार्टर्स ऑफ द सी बी एस ई क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फाइव वेयर आर द देडक्वार्टर्स ऑफ सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पर है तो ये पांच सवाल जवाब देने हैं आपको मेरे ई मेल आई डी पता है आपको कुश डॉट पांडे एट्रेड डॉट सी ओ वहाँ पर मेल करिए और अब आपसे मिलता हूँ मैं टेन ए एम पर ग्रेडअप के बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर विद द वीकली करंट अफेयर्स एम सी क्यू बब बाई गाइज टेक केयर प्रेप स्मार्ट स्टे सेफ एंड गो ग्रेडअप गाइज थैंक यू सो मच गाइज बाय बाय